नमस्ते प्रणाम। मैं खेसारीलाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, आपका पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और एक मेरी बहुत ही खूबसूरत सिनेमा, जिस सिनेमा का नाम है आशिकी, आप सबके बीच में रिलीज हो रही है, यानी 30 अप्रैल 2022 शाम को 7 बजे ऑल टेलीविजन प्रीमियर पे भोजपुरी के नंबर वन सिनेमा, भोजपुरी के नंबर वन चैनल भोजपुरी सिनेमा पे। तो मुझे आशा नहीं, विश्वास है। और एक दुख की बात है, बाकी लोगों की रिलीज होती है तो मैं चैनल से थोड़ा सा दुखी हूँ इस बात से कि बाकी लोगों के प्रीमियर आप 3 दिन 4 दिन पहले से प्रचार करते हो, और जब मेरी रिलीज होती है तो आप ऐसे क्यों करते हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, आप लोगों को बिजनेस करना है और हमारे फैन या हमारे मुझे प्यार करने वाले लोगों को ये चीज़ें पता नहीं चलेगी तो वो कैसे देख पाएंगे। तो प्लीज़ वो दो चीज़ें मत किया करिए आप लोग, सब लोग मेरे साथ ऐसा प्लीज़ मत करिए। और मैं अभी बता रहा हूँ लोगों को, ये मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि मुझे प्यार करने वाले लोग शाम को 7 बजे ऐसा टीआरपी दे दीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ, खेसारी को 2 घंटा पहले भी अगर आप रिलीज करोगे तो रिजल्ट वही मिलेगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शाम को 7 बजे आप अपना प्यार और आशीर्वाद अपने आपके घर में मैं मनोरंजन कराने आप सबका आ रहा हूं, तो आप ऐसा प्यार दे दीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ, आप लोगों में कितनी ताकत है, अपने भाई के प्रति कितना श्रद्धा है, अपने भाई के प्रति कितनी मोहब्बत है, आपके बेटे के प्रति कितना एकजुट आप होकर इस बेटे को प्यार करते हैं आप। और एक गाना भी रिलीज हुआ है मेरा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, लगता तो हर जवानी रानी करुणा के तीसरा लहरा, बहुत खूबसूरत गाना है। और मुझे लगता है कि 1 घंटे में वो 3 लाख कुछ हो गया था रियल टाइम में, लेकिन दिखा रहा था 1 लाख, बट वो अपडेट होगा बाद में। तो और हमारे राजकुमार भाई ने बेहतरीन रिलीज किया है उसको। और एक कल मेरा राउडी इंस्पेक्टर का भी ट्रेलर हो रहा है टीम कंपनी से, टीम फिल्म से, तो आप अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। जो मैं साउथ में मूवी किया था उसी का ट्रेलर है वो, और हमारे साथ हमारी एक्टर मेघा श्री जी हैं जो कि बेहतरीन एक्टर हैं, अदाकारा हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। और एक विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक जो नेपाल की लड़की है बेचारी, उसने बोल दिया कि हाँ मैं नहीं जानती, तो ठीक है ना यार, यहाँ तो मेरे साथ काम करने वाले लोग अगर बोल देते हैं कि कौन है खेसारी, तो मैं रिएक्ट नहीं करता। अच्छा है, मेरे फैन भी रिएक्ट नहीं करते, जो मुझे प्यार करते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। तो मेरे साथ इतने सारे सिनेमा, इतने सारे गाना करने वाला बोल देता है कि मैं नहीं जानती, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है यार, है? उस समय आपकी विचारधारा कहां जाती है, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कॉमेडियन हो, या कोई भी एक्टर हो, या डायरेक्टर हो, या प्रोड्यूसर हो, या किसी के फैन हो आप, उस समय आपकी विचारधारा, जिसके फैन हो ना उसके साथ रहने वाले लोग मुझे नहीं जानते। वो आए दिन लाइव आते हैं और बोलते हैं कौन खेसारी, कोई खेसारी लाल यादव है, कोई खेसारी लाल यादव, ठीक है भाई तू नहीं जानता है, हम कोशिश करेंगे कि आप भी मुझे जानिए, मैं उतना मेहनत करूंगा कि शायद आप मुझे जान जाएं। तो इसमें विवाद की क्या बात है, मेरे परिवार को कोई गाली दे देता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर और किसी के फैन तक कोई रिएक्ट नहीं करता है, और कोई वीडियो नहीं बनाता है, अपना विचारधारा फेसबुक पे नहीं रखता है, लेकिन वही खेसारी लाल यादव के फैन कुछ बोल दें या खेसारी के साथ काम करने वाले कुछ बोल दें तो सब विचारधारा के एकदम सब लोग इतने ज्ञानी पुरुष बन जाते हो आप लोग कि लगता है कि नहीं, ज्ञान आप ही के यहां से निकला है और पूरी दुनिया में फैली है, आप ज्ञान की किताब लेकर घूम रहे हो, क्या है यार, क्या तरीका है, सुधर जाओ। अगर बोलना है, अगर पत्रकार बने हैं आप, बता रहे हैं अपनी पत्रकार बने हैं, तो पत्रकार का मतलब समाज का दूसरा आईना होता है, समझे, जो सच्चाई को दिखाता है, तो आप सच्चाई दोनों तरफ से दिखाओ ना। आप ज्ञानी हो तो ज्ञान का मतलब किसी एक के लिए नहीं होता है, ज्ञान पूरी दुनिया के लिए होता है, तो उस समय आपका ज्ञान कहां चला जाता है, भीतर है, लोग ज्ञान चल जला है, काम है, है? आप अगर ज्ञानी हैं तो दोनों तरफ से बात करिए, आप जिसके फैन हैं
उनके साथ रहने वाले लोग मुझे नहीं जानते, तो हमारे फैन तो कभी रिएक्ट नहीं किए, हमारे लोगों ने कभी रिएक्ट नहीं किया। और उस लड़की ने तो आपके स्टार के साथ काम तक नहीं किया है, नहीं जानती है, नहीं जानती है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो नहीं जानती है तो क्या किसी का औहदा कम हो जाता है? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जान के भी नहीं जानते हैं, तो उनके जानने और ना जानने से मेरा जिंदगी नहीं चल रहा है? चल रहा है ना मेरी जिंदगी? तो किसी की जिंदगी किसी के ना जानने से नहीं, आप वर्क करिए, काम करिए, अच्छा बेहतरीन लोगों के बीच में अपनी छवि को दीजिए, आप अपने संस्कार को प्रेजेंट करिए, पूरी दुनिया आपको जानेगी, आपसे सीखेगी। लग रहा है जो पहाड़ टूट गया उस बच्ची पे, अरे वो भी किसी की बेटी है यार, कम से कम सम्मान कहां से करोगे, कहां से करोगे? संगत से गुण होते कि संगत से गुण जात, आप जिसके संगत में हो, छोड़ो विवाद हो जाएगा बोल दूंगा तो कुछ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। किसी बच्ची, वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, वो किसी की माँ होगी, आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, उसको उल्टा सीधा आकर आप लोग गाली गलौज कर रहे हो, उसको अलग रूप दे रहे हो, अलग नाम से बुला रहे हो, क्या है यार? तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है? तुम्हारे माँ बहन बेटी के बारे में अगर कोई गलत शब्द का उपयोग करे तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। तो उसी तरह उस बच्ची को भी बुरा लग रहा है, एक गलत बात है। ठीक है, कोई नहीं जानता। अब मेरे साथ काम करने वाली लोग बोलते हैं कि हम खेसारी को नहीं जानते, जिन्होंने बहुत सारे मेरे साथ काम किया, वर्क किया, जो डेली मुझे देखते हैं, जो इस इंडस्ट्री के हैं, वो बोल देते हैं कि मैं नहीं जानती खेसारी को, मैं नहीं जानता खेसारी को। हाँ, तो हमारे फैन तो कभी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे फैन मेरे विचारधारा के हैं, वो संस्कारिक हैं, उनके अंदर संस्कार है, वो संस्कार से वो अपने खेसारी को प्यार करते हैं, तो उन्होंने मेरे घर परिवार से लेकर हर आदमी का, और मुझे देखते हैं कि हाँ मैं कैसे अपने जीवन को चलाता हूं, अपने विचारधारा को कैसे लेके चलता हूं। तो आपसे तो आशा भी नहीं कर सकता कि आप अच्छी बातें करोगे, क्योंकि संगति आपका गंदा है, आपके संस्कार ही गंदे हैं। किसी बच्ची को आप लोग इतना सता रहे हो, कल चल के वो कुछ कर लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा यार? तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी है, भैंस के कोख से पैदा हुए हो? हाँ, भैंस के कोख से तो पैदा हुए नहीं हो, किसी माँ के कोख से ही पैदा हुए हो, उस माँ को कोख को गाली क्यों दे रहे हो यार? वो भी किसी की बहन बेटी है ना, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी होंगे। ठीक है, उसने उसको लग गया, जब नहीं जानती तो नहीं जानती, जबरदस्ती किसी को फैन बनाओगे क्या? हाँ, बेहतरीन काम करो, कराओ ताकि दुनिया जाने। हमने कभी रिएक्ट नहीं किया इस बात से, जैसे कोई मुझे नहीं जानता, ठीक है नहीं जानता है, मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा, अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा ताकि दुनिया मुझे जाने, मैं अच्छे विचारधारा क्या संस्कार के साथ अपने जीवन को लेकर चलूंगा ताकि मेरे संस्कार को भी दुनिया अपनाए। ये गलत है यार, मत करिए आप लोग ऐसा। आप जिसके भी फैन हैं, मुझे उसे दुख नहीं है, आप उनको प्यार करिए, लेकिन जबरदस्ती किसी को फैन बनाओगे, किसी को जानने पे मजबूर करोगे, ये कौन सा नियम हो गया भाई? हाँ, ये कौन सा विचारधारा है? खेसारी को हजारों लोग उसके परिवार को गाली दे देते हैं तो आपका विचारधारा नहीं रहता है? मैं इंसान नहीं हूं, मुझे भी रिएक्ट करना चाहिए। आप मुझे डेली गाली देते हो, कभी मैंने रिएक्ट नहीं किया। आप लोग मुझे डेली, जिनके फैन हो उनके फैन बनके, और आप मुझे डेली गाली देते हो, मुझे हजारों नाम दे देते हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। रीजन ये है क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, मैं 24 घंटा काम अपने लोगों के लिए करता हूं, उन फैन के लिए करता हूं जो मुझे अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपने घर का सदस्य मानते हैं, मैं उनके लिए जीता हूं। मेरी जिंदगी मेरे परिवार के लिए जितनी सक्रिय है, उतने ही मेरे उनके लिए सक्रिय है जिन्होंने मुझे बनाया है। मैं अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम देता हूं, और मैं 24 घंटा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम करने वाला इंसान हूं। मैं सबसे ज्यादा गाना रिलीज होते हैं मेरे, सबसे ज्यादा शो करता हूं, सबसे ज्यादा फिल्म करता हूं, उसके बावजूद भी अपनी फैमिली को उतना ही टाइम देता हूं जितना मैं दुनिया को देता हूं, क्योंकि मेरे मन में अपनी फैमिली के लिए श्रद्धा है, विचारधारा उनके लिए है, क्योंकि मेरे लिए पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हूं, तो मुझे उनको भी उतना प्यार और सम्मान देना है।
एक बच्ची को यार आप लोग इस टाइप से हरकतें कर रहे हो, क्या तरीका है ये ठीक नहीं है और ये सही नहीं है। अपने बहन को देख लो एक बार, आपके बहन के बारे में कोई गंदा बोलेगा तो कैसा लगेगा। अपनी माँ को देख लो, अपने फुआ को देखो कि आपके परिवार के लिए अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो आपके मन में कैसा श्रद्धा होगा, अच्छा आएगा? आप समाज के आईना बन रहे हो, किसी को गाली देकर समाज को आईना दिखाओगे? तुम खुद ही संस्कारिक बन जाओ, संस्कार तुम्हारे अंदर तो खुद में नहीं है यार, और तुम दुनिया को संस्कार सिखाने लगे हो, चाहे वो एक्टर हो चाहे यूट्यूबर जो गंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उनके लिए बातें बोल रहा हूं, सारे यूट्यूबर गलत नहीं है, सारे न्यूज चैनल वाले गलत नहीं है, जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे ये गलत है। प्लीज आप ऐसा मत करिए, क्योंकि सबका सम्मान होता है। जो दो रोटी खाता है क्या वो इज्जतदार नहीं होता? उसका घर चलाते हो आप, उल्टा बोल के दो पैसे कमा के क्या करोगे यार? हाँ, जिस दिन मरोगे ना पूरी दुनिया यही कहेगी कि जाने दो, एक कीड़ा था मर गया, एक कचड़ा था चला गया दुनिया से। बेहतरीन काम करो यार, अच्छा इंसान बन के जीवन को चलाइए आप। आपसे मुझे दुख नहीं, आपको डेली गाली देना है खेसारी को दीजिए, मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको इंटरटेन करूं, क्योंकि मेरे पास करोड़ों नहीं अरबों में जनता है जिनको इंटरटेन करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। आपके जैसे चंद मुंह से हगने वाले लोगों के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं पैदा हुआ हूं करोड़ों लोगों का मनोरंजन कराने के लिए। तो प्लीज उस बच्ची को इतना भी गंदा शब्द का प्रयोग मत करिए आप लोग। थैंक यू सो मच। मैं इतने दिन से देख रहा था तुम, अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं तो बोलना ही बंद कर दिया हूं आजकल, किसी के बारे में बोलता नहीं कि नहीं क्या बात है, मेरे पास काम बहुत है यार, क्या बोलूं मैं किसी के लिए। लेकिन आज किसी के सम्मान की बात आई, एक बच्ची के यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं सुनते हो? अगर बेटियां इस धरती पे नहीं रही ना, ऐसे ही बेटियों को हम बेइज्जत करते रहना, तो शायद हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि मैं भी किसी बेटी का ही बेटा हूं, और तुम्हारे अंदर तुम्हारी भी किसी दिन बेटी होगी। क्या अपनी बेटी के बारे में ऐसे ही बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे ना भाई, तो प्लीज वो भी किसी की बच्ची है, नहीं जानती, इसमें विवाद करने की क्या बात है? वो नहीं जानती, अपने स्टार से बोलिए कि कुछ अच्छा काम करें, कुछ संस्कारी काम करें, बेहतर काम करें, ताकि नेपाल के लोग भी जाने, सारी दुनिया जाने। अब आप ब्लेम लगा रहे हो उस बच्ची पे, गाली दे रहे हो, ग्लौज कर रहे हो, उसको बेइज्जत कर रहे हो, उसको क्या क्या नाम दे रहे हो, ये क्या तरीका है? आपकी यही संस्कार है, है? तो आप लोगों से आशा भी नहीं कर सकता। चलिए थैंक यू। और ऑल टेलीविजन प्रीमियर पे मेरा सिनेमा आज 7 बजे आशिकी रिलीज हो रही है, भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी सिनेमा पे। तो आप प्लीज अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मैं लेट बताया क्योंकि मुझे लेट ही पता चला, रात 11 बजे को ये सारी न्यूज मुझे मिली, जबकि बाकी किसी का सिनेमा रिलीज होता है तो 3 दिन पहले से उसका सारी चीजें लोगों को पता होती है, बट कोई नहीं, मुझे अपने फैन पे और अपने लोगों पे और अपने देवता रूपी श्रोता पे विश्वास है कि आप लोग खेसारी को उतना ही प्यार देंगे, चाहे 2 घंटे पहले मैं बताऊं या 2 घंटे 2 दिन पहले बताऊं, मोहब्बत आपका सेम होता है खेसारी के लिए। और कल राउडी स्पेक्टर का ट्रेलर रिलीज होने वाला है हमारे टीम फिल्म्स पे, तो इतना प्यार दे दीजिए कि आज तक किसी को नहीं मिला, और मुझे विश्वास है आप सब पे। और आज कोरोना के तीसरा लहर गाना ग्लोबल जंक्शन से आया है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, हमारे राजकुमार भाई जी के कंपनी से, तो आप उसको भी उतना ही प्यार दीजिए, और आप दे भी रहे हैं। 1 घंटे में 3 लाख 3.5 लाख के आसपास था रियल टाइम में, अपडेट बाद में हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। कुछ बातें थी, अच्छा नहीं लगा इसलिए बोल दिया, सो सॉरी। अगर किसी भी भाई को, आप उनके भी जो फैन है उनको भी अगर मेरी बातें बुरी लगी तो प्लीज मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं वैसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बेटी को इतना बेइज्जत मत करो यार। बेटियां हैं तो ये धरती है, बेटियों से ये संसार है, और बेटियां हमारी तुलसी की तरह होती हैं, उनको बेइज्जत मत करो यार। आप संस्कारिक बनो, आप भी किसी दिन बेटी के बाप बनोगे, आप भी किसी बहन के भाई हो, वो बहन क्या सोचेगी? आपके ही विचारधारा अगर वो देखेगी और आपका बोला हुआ शब्द अगर वो सुनेगी तो उसको क्या लगेगा? तो प्लीज आप अपने बहन बेटी की तरह भी दुनिया का सम्मान करिए, तभी आपको सम्मान मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।